मेकअप सीखना है तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेकअप में कौन सी चीज़ें कब और कैसे लगाई जाती हैं, स्किन टोन क्या होती है, स्किन टाइप क्या होती है। हर सबकी स्किन अलग है, जितने भी लोग हैं सबकी स्किन अलग अलग टाइप की होती है, तो ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है। और क्या चीज़ें कैसे और कब लगाएं, जब तक आप ये नहीं जानेंगे तब तक आपका मेकअप हमेशा ही ख़राब होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मेकअप का पहला प्रोसेस होता है, हमें अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना होता है। आप चाहें तो उस फेस को वॉश कर लें या फिर वेट वाइप से इसे क्लीन कर लें या फिर क्लीजिंग मिल्क से क्लीन कर लें, लेकिन क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद कोई सा भी टोनर स्प्रे करें, गुलाब जल ले सकते हैं या फिर कोई टोनर या मिस्ट ले सकते हैं, इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी ले सकते हैं आप। कुछ भी नहीं है तो गुलाब जल आप अपने फेस पर ज़रूर अप्लाई करें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा सीरम का। अगर आप सीरम अप्लाई करते हैं तो सीरम लगा लें, नहीं तो डायरेक्टली आप मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। सीरम कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप सीरम ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है, पहले मिस्ट यूज़ किया है प्लम का, उसके बाद प्लम का ही मैंने लिया है सीरम। वैसे तो ये मेरी स्किन को अच्छे से मॉइस्चर कर देता है, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो मैं दोनों में से कुछ भी एक लगाती हूँ, कभी कभी होता है दोनों लगाती हूँ, लेकिन आज आप लोगों को बताने के लिए मैंने दोनों चीज़ें यूज़ की है। उसके बाद अब हमें अप्लाई करना होता है मॉइस्चराइज़र। सबसे पहली चीज़, हम जितने भी पतले प्रोडक्ट होते हैं वो पहले यूज़ करते हैं ताकि वो हमारी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो और हमारी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करे, मॉइस्चर करे और हमारी स्किन को फ्लॉलेस बनाए। तो ये सारी चीज़ें पहले हम अप्लाई करते हैं। और हाँ, जो भी हम प्रोडक्ट लगाएंगे उस पर एक एक मिनट का, 30 सेकंड का 40 सेकंड का गैप देंगे, लेकिन जब भी आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें अच्छे से मसाज देने के बाद 2 मिनट का गैप आपको रखना ही रखना है। 2 मिनट के बाद यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर। अभी तक जो हमने किया था वो स्किन केयर किया था ताकि हमारा मेकअप अच्छे से रहे और फ्लॉलेस बना रहे, काफ़ी टाइम तक स्टे करे, लेकिन अब जो प्रोसेस हो रहा है वो हमारे मेकअप का हो रहा है। तो मेकअप में सबसे पहला पार्ट आता है प्राइमर का, सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है ये। प्राइमर हमें अप्लाई करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये हमारे ओपन पोर्स को मिनिमाइज़ कर देता है, हमारे बेस को एक फ्लॉलेस लुक देता है और एक लेयर बना देता है हमारी स्किन पे, ताकि हम कोई भी प्रोडक्ट लगाएं तो वो हमारी स्किन पे हार्म ना पहुंचाए। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ कलर करेक्शन का, ये ऑरेंज कलर करेक्टर मैंने लिया है और जहाँ जहाँ पर मुझे लग रहा है मेरी स्किन अनइवन है वहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। इससे क्या होगा, जो मैं बेस करूंगी एक तो उसकी कवरेज अच्छी आएगी और दूसरा जो हम जहाँ पे हमारी अनइवन स्किन टोन है वो थोड़ी हाइड हो जाएगी और कुछ टाइम बाद हमारा मेकअप ऑक्सीडाइज भी नहीं होगा। इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। कलर करेक्शन हमें अपनी स्किन टोन से, एक टोन डार्क कंसीलर से भी कर सकते हैं या फिर कोई भी ऑरेंज कलर का कलर करेक्टर यूज़ करके कर सकते हैं। कलर करेक्टर 3-4 प्रकार के आते हैं, जैसे अगर पिंपल्स है तो अलग लगाया जाता है, अनइवन स्किन टोन है तो अलग लगाया जाता है। यहाँ पे मेरी अनइवन जहाँ पे थी वहीं पे मैंने अप्लाई किया क्योंकि मेरे फेस पे पिंपल वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे मैंने मार्स का फाउंडेशन यूज़ करने वाली हूँ, मैंने दिखाया, और यहाँ पे मैं ब्यूटी ब्लेंडर दिखा रही हूँ। मैंने मेकअप करने से पहले इसे पानी में डिप करके रख दिया था और आप साइज देख लीजिए पहले दोनों का। पानी में डिप करने की वजह से उसका साइज़ बड़ा हो गया है और सेम साइज़ के दोनों थे, मैंने साथ के साथ परचेज किए दोनों, तो साइज़ दोनों, और ऊपर से कितना ज़्यादा ये फफी सा हो जाता है जब ये पानी में डिप करके हम रखते हैं। उसके बाद अच्छे से निचोड़ देना है उसे, किसी भी तावल वगैरह में उसे अच्छे से ड्राई कर लेना है, उसके बाद अप्लाई करना है। फाउंडेशन मैं अप्लाई कर रही हूँ, इसकी कवरेज बहुत ही अच्छी है, मैट फिनिश देगा, और जब भी आप मैट फिनिश फाउंडेशन अप्लाई करें तो आपको बहुत ही जल्दी ब्लेंड करना है। और यहाँ पर मैं दिखा रही थी आपको, कभी भी इसे करना है तो ब्यूटी ब्लेंडर को रगड़ना नहीं है, आपको इस तरीके से डैब डैब करके ही अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करना है। अगर आप रगड़ेंगे तो क्या होगा, हमने जो नीचे से लेयरिंग की है, जो स्किन केयर किया है, कलर करेक्शन, प्राइमर वगैरह सारे मिक्स हो गए, उस टाइम तो नहीं आपको पता चलेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद वो आपका मेकअप ग्रे होने लगेगा, पैचेज आने लगेंगे, लिप के राउंड से निकलने लगेगा। तो जब तक हम अपनी स्किन केयर अच्छे से नहीं करते हैं, अपने मेकअप को, अपने बेस को ब्लेंड करने में टाइम नहीं देते हैं, तब तक हमारा बेस उस टाइम के लिए सही होगा, थोड़ी देर बाद वो ख़राब होने लगेगा।
तो यहाँ पे मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ ब्लेंडिंग करने के बाद फाउंडेशन को, और ब्लेंडिंग बहुत अच्छी करनी है गाइस। जहाँ पे आप ब्लेंड कर रहे हो ना, वहाँ पे आपको अपनी स्किन को टाइट रखना है ताकि अच्छे से वहाँ पे ब्लेंडिंग हो। और जब आँखों के नीचे आपको ब्लेंड करना है तो आपको ऊपर देखना है इस तरीके से, ताकि वहाँ की भी स्किन टाइट हो जाए। क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा किसी के मेकअप करने के बाद ना आँखों के ऊपर नीचे थोड़ा सा पैचेस से बने होते हैं, ग्रीस लाइन टाइप की बनी होती है, तो वो सारी चीज़ें ब्लेंडिंग के ऊपर डिपेंड करती है। और हाँ, आपको प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है, कि आपको प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अप्लाई कर लिया तो वो आप ब्लेंड कभी नहीं कर सकते हैं। काफ़ी उस टाइम के लिए सही होगा, लेकिन जैसे ही थोड़ा टाइम निकलेगा ना, वो आपका मेकअप निकलने लगेगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने नोज कंटोर किया NYV की स्टिक से। ये क्रीम कंटोर है तो सिर्फ मैंने नोज पे अप्लाई किया है, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो मुझे नोज को थोड़े अच्छे शेप में लाना था, और मैंने कर लिया है फिंगर से ही इसे अप्लाई। उसके बाद थोड़ा सा कंसीलर ऊपर अप्लाई किया। अब इसे सेट करने के लिए मैं फिटबिट का कॉम्पैक्ट ले रही हूँ, बिल्कुल लाइट ही इसे सेट कर रही हूँ। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो पूरे फेस को सेट कर लें, गर्दन को सेट कर लें, लेकिन ड्राई स्किन है तो आप ज़रूरी नहीं इतना करें। अपनी टी जोन एरिया जहाँ पसीना जाता है ज़्यादा आता है वहीं पर फोकस कर सकते हैं, आप वहीं पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वेट एंड विल का मैंने किट लिया है, आईब्रो किट, जिससे मैं अपने आईब्रो को अच्छे से फिल कर लूँगी। और ये बहुत ही अच्छा किट है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और इसका फुल रिव्यू भी मेरे चैनल पे शेयर है, तो देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं आप। और गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक करके ही जाना। और यहाँ पे आपने देखा मैंने आईब्रो फिल कर लिया, इस स्पूली की हेल्प से मैं अच्छे से कॉम कर लूँगी, ताकि प्रोडक्ट कहीं भी अगर कम ज़्यादा लगे हो तो वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। गाइस, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको, वैसी ही नहीं छोड़ना है। उसके बाद ये मैं ले रही हूँ लाइट ब्राउन कलर, और पूरी आईलिड पे अच्छे से अप्लाई करूँगी। बहुत ही लाइट आई मेकअप करेंगे लेकिन बहुत ही अच्छा होगा, तो वीडियो पे बने रहना, स्किप मत करना। और यहाँ पे बिल्कुल लाइट ही मैंने ये कलर अप्लाई कर लिया है। उसके बाद आउटर बी की तरफ से मैं डार्क ब्राउन कलर लूँगी, और सिर्फ आउटर बी की तरफ से ही मैं ब्लेंड करूँगी एक ब्लेंडिंग ब्रश से, इस तरफ से थोड़ा सा डार्क फिनिश दूंगी इस तरफ। और इनर कॉर्नर की साइड में मैं लाइट पिंक कलर का यूज़ करूँगी। तो यही 3-4 कलर आज मैं यूज़ करने वाली हूँ। ज़्यादा बहुत ज़्यादा हम हैवी आई मेकअप नहीं कर रहे हैं, बहुत लाइट आई मेकअप करेंगे, लेकिन ये बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खूबसूरत सा आई लुक आएगा आपका भी। तो इसे अप्लाई करने के बाद मैं लोअर लैश लाइन के नीचे भी मैं पिंक कलर को सेम अप्लाई करूँगी, जो इनर कॉर्नर से यही पिंक कलर मैं ऊपर भी अप्लाई करूँगी अब नीचे भी। और इसे लोअर लैश लाइन के नीचे एक पेंसिल ब्रश से मैं ब्लेंड कर रही हूँ ताकि ये फैले ना। उसके बाद इनर कॉर्नर की साइड में आई लिड के ऊपर तक अप्लाई कर लूँगी, और मस्कारा लगा लूँगी। यहीं पे मैं आई लुक कंप्लीट करूँगी मस्कारा लगाने के बाद। थोड़ा सा मैंने ग्लिटर भी अप्लाई कर लिया है एक अच्छा सा खूबसूरत सा लुक देने के लिए। और आई मेकअप आप देखिए कि हर किसी को पसंद आ जाएगा, सिंपल भी है और बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है। मस्कारा के लिए यूज़ किया है मैंने मार्स का मस्कारा, और इसे मैंने डबल कोट किया है, क्योंकि मैं फेक लेस नहीं लगाऊंगी तो इसलिए मैंने डबल कोट कर लिया है, और इससे काफ़ी अच्छा थिक सा लेस आपका दिखेगा। और गाइस, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप वीडियो तो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ लाइक करके ही जाना। और यहाँ पे मैं देख रहे हैं लेस पे मस्कारा अप्लाई करने के बाद आई का लुक देखिए कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। उसके बाद फेस कंटूर करना होता है, और इसमें काफ़ी लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले ब्लश अप्लाई करें या हाइलाइटर या कंटूर। तो गाइस, सबसे पहले आपको कंटूर अप्लाई करना होता है, जहाँ पे आपने कंटूर अप्लाई किया उसी के जस्ट ऊपर आपको ब्लश अप्लाई करना होता है, और उससे ऊपर आपको हाइलाइटर अप्लाई करना होता है। लेकिन ये ध्यान में रखना है, तीनों चीज़ों में लाइन आपको नहीं दिखनी है, मतलब इस तरीके से अप्लाई करना है कि लाइन ना दिखे लेकिन मिक्स भी ना हो बहुत ज़्यादा, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का किट लिया है, जिसमें ब्लश कंटूर और हाइलाइटर तीनों चीज़ें हैं, और इस टाइम ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। मैं इसी पैलेट को उठा के तीनों चीज़ें अप्लाई कर ले रही हूँ, काफ़ी अच्छा है। 300 के अराउंड आपको मिलेगा, लेकिन तीनों चीज़ें भी मिल जाएंगी। उसके बाद मैंने लिपस्टिक अप्लाई किया, थोड़ा सा ये मुझे ब्राइट ब्राइट लग रहा था तो मैंने क्या किया, डार्क ब्राउन कलर लिप लाइनर लिया और उसे आउटर लाइन की तरफ थोड़ा सा अप्लाई कर लिया। इससे हमारे लिप जो है थोड़ा बड़े भी लगेंगे,
और ऊपर से एक लुक भी इसका चेंज हो जाएगा, अभी आप देख सकते हैं। और ये रहा फाइनल लुक गाइज। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना आपको ये लुक कैसा लगा। सबसे लास्ट आता है सेटिंग स्प्रे। सेटिंग स्प्रे यूज करने के बाद मैंने एक बिंदी अप्लाई कर लिया और लुक आप लोगों के सामने है। गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। बाय बाय।